जनरल राज, आपसे शुरुआत कर रही हूं मैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और तीन हमने इंपॉर्टेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए, वो भले ही भारत बांग्लादेश सीमा पर हो, वो यहां पर भले ही उच्चायुक्त का दफ्तर हो या फिर ट्रेनें रद्द किए जाने का फैसला हो, लेकिन ऑफिशियली जो खामोशी है, इस पूरी तस्वीर में भारत कहां पर खड़ा हुआ दिखता है और भारत पर असर क्या है बांग्लादेश के इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस तख्ता पलट का, शेख हसीना के देश छोड़ देने का? सर अनम्यूट करना पड़ेगा। मेरी आवाज आ रही है? एब्सोल्युटली ऑडिबल सर। इट इज टू अर्ली फॉर इंडिया टू मेक एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। जहां तक इमेज नजर आ रहे हैं वहां पर अराजकता ज्यादा है, कोई प्रिंसिपल प्रोटेस्ट नहीं है। उनका प्रोटेस्ट था रिजर्वेशन के खिलाफ, जो शेख हसीना की पार्टी ने फ्रीडम फाइटर के बच्चों के लिए रिजर्वेशन करी थी, हर देश करता है। भारत में अभी भी, हालांकि हमारी डेमोक्रेसी पुरानी है, उनसे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको कहीं ना कहीं कंसेशन दिए जा रहे हैं। तो और वो तो शेख हसीना ने 2018 में वापस कर दिया था, वो तो इस साल जून में कोर्ट ने दोबारा बहाल कर दिया। तो हर डेमोक्रेसी में पब्लिक की कोई ना कोई ग्रीवेंस होती है, डेवलप करती है, वहां भी करप्शन है, इन्फ्लेशन है, जो एग्जामिनेशन के पेपर भी लीक करने की समाचार आ रहे हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट चला, ये तो एक स्पार्क था। रिजर्वेशन का मुद्दा मेरे को लगता मेन नहीं है। वो हर डेमोक्रेसी में एंटी इनकम्बेंट थी, वो 15 साल से पावर में थी। पिछला इलेक्शन जो किया, वैसे तो इलेक्शन में शिकायत होती है, लेकिन जो जनवरी में इलेक्शन हुआ था वो बिल्कुल एक तरफा किया गया था, उसमें सरकार को ब्लेम किया गया। भारत के लिए जरूरी क्या है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है या नहीं, इसका भी कोई सबूत नहीं है, शायद ना हो। हमारे को अपने हितों की रक्षा करनी है। शेख हसीना भारत के लिए अच्छी नेबरिंग प्रधानमंत्री थी, रिश्ते हमारे बहुत दोस्ताना थे। हम चाहते हैं कि या तो वो सत्ता में दोबारा जाए या कोई भी नई सत्ता आए, तालुका हमारे दोस्ताना रहे, वरना चाइना आपको चारों तरफ से घेरने की कोशिश में है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश एक ऐसा था जिनके रिश्ते हमारे साथ बने। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आने में पता लगेगा, अभी तक ये साफ नहीं है कि हसीना जी भारत में सिर्फ पर्सनल सेफ्टी के लिए आई या वो कोई पॉलिटिकल वेट कर रहे हैं कि दोबारा पॉलिटिक्स शुरू करें। नहीं सर, इससे पहले जनरल राज, ये मैं समझना चाहती हूँ आपसे, शेख हसीना इस वक्त हिंडन एयरपोर्ट पर है, गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर है, और हमारी मिनिस्ट्रीज, वो भले ही पीएमओ हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, इनकी तरफ से अभी तक बांग्लादेश के कॉन्फ्लिक्ट पर, तख्ता पलट पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। तो ये जो सिनेरियो है, इसमें भारत बतौर राष्ट्र कहां खड़ा है? दरअसल भारत की इसमें स्थिति है क्या? जनरल राज, आप ही से पूछ रही हूं, आप ही से पूछ रहे हैं। ओके, मेरी माँ जी, बांग्लादेश में सत्ता पलट नहीं हुई, सत्ता छोड़ी गई। शायद उनको पर्सनल डेंजर था कि उनको प्रोटेक्शन नहीं मिले, और वो अगर बांग्लादेश से आई है, पहले अगरतला पहुंची हेलीकॉप्टर से, वहां से उड़ के भारत में, तो उनकी सेना की भी सहमति है, वरना उनके मर्जी के बगैर तो निकल नहीं सकती थी वो। तो मैं मानता हूँ सत्ता पलट नहीं हुआ है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने कोई क्लेम नहीं किया कि वो सत्ता बनाएंगे। नहीं सर, रिस्पेक्टफुल एग्जिट भी तो हो सकता है। सेना ने कहा 45 मिनट में इस्तीफा दीजिए, 45 मिनट में देश छोड़ दीजिए, तो वो एक व्यवस्था भी तो हो सकती है कि भाई शेख हसीना को एक अल्टीमेटम दिया गया और एक व्यवस्था बना दी कि भैया ये हम आपको मिलिट्री का हेलीकॉप्टर या मिलिट्री का विमान दे रहे हैं, आप एग्जिट कर जाइए देश से। गरिमा जी, ऐसे हालात में सिर्फ सेनाएं ही देश में शांति बहाल कर सकती है, लेकिन उसमें खतरा है। सेना एक बार सप्ताह में आ जाए, आपकी तो टेम्परेरी है,
ये कह के जब हालात सामान्य हो जाएंगे तब इलेक्शन कराएंगे, लेकिन हालात सामान्य की परिभाषा क्या है, कौन डिसाइड करेगा? वो सेना को डिसाइड करे। परिणाम यही हुआ है पाकिस्तान में, बार बार यही हुआ है कि मैं नहीं कहता कि बांग्लादेश में भी ऐसा होगा, लेकिन हो सकता है क्योंकि सत्ता में आते हैं वर्मा ने जब सूची को अरेस्ट किया तो कहा था कुछ उन्होंने इलेक्शन कराए और भी नहीं कराए। तो सेना जब सत्ता में आती है तो वो एक खिलाड़ी की तरह होते हैं, खिलाड़ी मैदान कभी मर्जी से नहीं छोड़ता, उसको निकालना पड़ता है, सेना के साथ वही है। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ सत्ता पलट नहीं हुआ, उन्होंने सत्ता छोड़ी है।